वालेकुम साथियों चिकन के सालन की रेसिपी के साथ हाजिर हैं जो कि हम पलाओ के साथ बनाते हैं इसके लिए हमने थ्री मीडियम साइज़ के अनियंस लिए हैं जिनको हमने प्रेशर कुकर में डाला है हाफ कप हमने ऑयल डाला है इनको हमने गुलाबी कर लेना है वन टी स्पून फुल हमने सॉल्ट लिया है वन टी स्पून फुल चिली पाउडर लिया है वन टी स्पून फुल पेपरिका का लिया है वन टी स्पून फुल ही हमने कोरियडर पाउडर का लिया है वन टी स्पून फुल क्यूमिन सीड्स हाफ टी स्पून फुल पिसा हुआ प्योर गरम मसाला और हाफ टी स्पून फुल हमने क्रश्ड ब्लैक पेपर के लिए हैं। वन एंड हाफ इंच की जिंजर है जिसको कि हमने कूट लिया है अनियंस गुलाबी होने पर हमने उसमें एक कप पानी का डाला है और हैंडफुल गार्लिक डालकर उसको हमने दो मिनट के लिए प्रेशर दे देना है प्रेशर नीचे होने पर हमने इसको खोला है और प्याजों को हमने भून लेना है जिंजर हमने डाल दी है और सारे जो मसाला जात हमने तैयार किए थे वो भी हमने इसमें एड कर दिए है जिंजर की खुशबू आने पर हमने इसमें एक किलो से थोड़ी सी ज्यादा है हिला लेंगे अभी हमने इसमें पानी नहीं डाला है तो बहुत मुमकिन है कि ये नीचे लग जाए देखते ही देखते ही अपना पानी खुद रिलीज करेगी और उसी में गल जाएगी गाई गहे खोलकर देखते नहीं जब इसका पानी खुश्क होने लगे तो टोमेटो पेस्ट के दो टेबल डाल दें ढूंढ लें ऑयल अलग हो तो उसमें आप डेढ़ कप पानी डालकर उसका सालन बना लें तीन चार मिनट के लिए उसको उबलने दें फिर आप फ्रेश कॉरियडर डालें आंच बंद करके भुना हुआ जीरा और काली मिर्च जो है वो थोड़ी सी इसके ऊपर छिड़क दें तो ये तो था हमारा सालन जो कि हम पुलाव के साथ तैयार करते हैं खुदा करे कि ये रेसिपी जो है ये आपको पसंद आई और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़